बोल सकते हो क्या चीज ने रुका दिया हमें? वो आप देख सकते हो वहाँ पे, तो सभी लोगों ने अगर उधर का नाम लिया तो उधर तो जरूर तो कुछ। सो गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग नहीं एक्चुअली तो गुड आफ्टरनून ही हो चुका है, 12:30 बज रहे हैं अभी। हम अभी फिलहाल है हाउस बोट में, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हाउस बोट है। इधर हमारा राजू था एकदम एज ऑलवेज फ्रेश रेडी है। इधर अर्जुन लगवा रहा है अपना नया थर्मल लेके आया भाई, फ्लैक्स कर रहे हैं। इंद्रो भी उधर में पूरा रेडी हो चुका है, दूसरा कपड़ा वपड़ा निकाल के एकदम पहनना वहना शुरू। देख सकते हो उधर बिस्तर विस्तर कम्बल वम्बल यूज करना पड़ रहा है, ये भी कम पड़ जा रहा है हमारा यहाँ पे। तो बाकी मैं अगर आपको दिखाऊँ ये हाउस बोट बाहर की तरफ, अगर आप देख सकते हो ऐसा होता है, ये पूरा लंबा सा कंपार्टमेंट है सीधा, और यहाँ पे रूम्स है बहुत सारे। और फिर इधर आप मुझे देख लो, और फिर इधर आप देखो वॉशरूम बाथटब वगैरह है, ऐसे ऐसे है। तो और रैंकिंग दिया जाए तो 10 में से 7, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत वीक है ये जगह, चर पर करते रहता है इधर, आवाज़ काफ़ी आता है इसके फ्लोर से। तो चलिए फिर निकलते हैं। और अर्जुन भाई जूता तो लग गया, बस अब अपना अपना बैग पकड़ते हैं इधर, चलो फिर। आप देख सकते हो ये रास्ता, इधर मेरे को डर लगता है यार, अनबैलेंस हो जाएगा। आप देख रहे हो, यस। तो ये था हमारा हाउस बोट, एक रूम का 1500 बोल रहे थे विथ वाईफाई, हम लोगों ने 1000 में बुक करा लिया। तो राजू दा आज का जर्नी शुरू करते हैं, ठीक है? थोड़ा पीछे ले लो बैग को। तो हम अपने हाउस बोट से निकल के चेकआउट कर चुके हैं, और अब हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं श्रीनगर। और इधर से हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है कारगिल, जिसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कारगिल किस चीज़ के लिए फेमस है मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है, वो आप सभी को अच्छे से पता है। तो फिलहाल अपना रूट देख रहे हैं हम, किधर से कैसे जा सकते हैं। बाकी इधर अब आर्मी, हर आधे किलोमीटर के अंदर आपको आर्मी ऑफिसर्स दिख जाएंगे, एकदम कड़ी नज़र रखे हुए, क्योंकि यह हाईली प्रोटेक्टेड जोन है। यहाँ पे ठंड आपको दिख रही होगी, धूप निकल चुका है, बट ठंड आपको फील होगा यहाँ के हवा में, आपको वो ठंडक महसूस होगी। हम लोगों ने थर्मल लगाया अंदर, प्लस मेरा जैकेट का रेनकोट अंदर है, जैकेट का थर्मल अंदर, ऊपर से जैकेट है, फिर जाके मेरे को नॉर्मल फील हो रहा है। तो आज हमारे देश के शहीदों के नाम, जिन्होंने अपनी जान गंवाई हो, पुलवामा अटैक हो, या फिर हमारे देश के आज़ादी के लड़ाई में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हो, जिन्होंने शहादत हासिल किया हो, उन लोगों के नाम से आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। सो हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CKY ऑन व्हील्स। आज का जर्नी काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम उन प्लेसेस से होते हुए गुजर रहे हैं, जैसे हम अभी जहाँ पे हैं वहाँ पे उसी के सामने कहीं पे पुलवामा भी है। तो जब हम पुलवामा का नाम लेते हैं तो हमें वो अटैक, वो बॉम्ब ब्लास्ट का याद आता है, जिसमें हमारे देश के कई शहीद हुए थे नौजवान। सो ये प्लेस हमें उस चीज़ का इम्पोर्टेंस बताता है कि एक कंट्री की आर्मी, आर्म फोर्स का उस देश में उसका वजूद क्या है। हम लोगों ने सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, अभी 12:30 बज रहे लगभग, तो पहले तो कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर जर्नी का मज़ा आएगा। इसको हिस्टोरिकल जमा मस्जिद बोला गया है, तो आई गेस इसका श्योर हिस्ट्री से कुछ ताल्लुक ज़रूर है। बाकी यहाँ पे शॉल्स वगैरह तो आपको पता है फेमस है, कश्मीर के पश्मीना शॉल्स काफ़ी कॉस्टली होते हैं, उन सब का दुकान वगैरह बहुत सारा है यहाँ पे। और फ्रूट्स वगैरह मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा स्टॉल्स है फ्रूट्स के, बाकी एज यूजुअल जो मार्केट होता है वैसे ही दिख रहा है ये तो पूरा। तो बोट हाउस से निकलते हैं, यहाँ पे बहुत ज़ोर से भूख लगा था, सुबह कुछ खाए नहीं थे हम, तो इधर आ गए भैया के पास। तो आप देख सकते हो भैया हमें शवरमा रोल बना के खिला रहे हैं। भैया आपका नाम? रमीज। अच्छा जी, एकदम बढ़िया से शवरमा रोल बनाओ भैया, आज खाते हैं कश्मीरी।
अर्जुन के मुंह में पानी आ गया क्या? कितने साल से बना रहे भाई? मेरे को हो गए 3-4 साल, ज्यादा टाइम नहीं हो गया। अच्छा अरे वाह घुमा दिया अर्जुन, घुमा पाएगा तुम? से वास्ती कैसे घुमाता है राजदा? ओ चश्मा उश्मा लगा के एकदम हीरो। हाथ से तो बेलना हो गया। देखो आज इंद्रो बिजी है। क्या बोले, इतना बिजी क्यों रहता है? आज नहीं, हमेशा हमेशा बिजी रहता है, हमेशा। नहीं तुम हमेशा बिजी रहता है। रास्ते फोन पे आ। नहीं दोस्तों हमेशा बिजी रहता है, छोड़। चला हम फोन नहीं निकालेगा तो तुम घूम जाएगा ना। वही बात है। और इंद्रो भाई बोल, भैया ने जो बना के दिया कैसा लग रखा के? अरे तुम्हारा मेयोनीज हो गया तुम्हारा चेहरा तो। राजू तो कैसा लग रहा है भाई? भैया ने जो बनाया खिलाया अच्छा बनाया, बढ़िया बनाया ना अर्जुन? मतलब टॉप क्लास भाई, टॉप क्लास बनाया। आप देख सकते हो यहाँ पे खाना, ये आपका मेयोनीज रोल है इधर, सॉरी ये शवरमा रोल है, और मेयोनीज इतना टेस्टी है, हैंडमेड है। तो खाते हैं और फिर जाते हैं। आप देख सकते हो हम श्रीनगर से निकल चुके हैं और मेरे सामने आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े पहाड़ आपको दिख रहे होंगे। अगर गोप्रो में सही से दिख रहा होगा ना आपको, बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे होंगे यहाँ पे। यही सबको हमको क्रॉस करके जाना है, इसके पीछे ही हमारी मंजिल है। तो मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ ना, यहाँ पे भी स्नोफॉल होती है, अराउंड 2-2.5 feet तक यहाँ पे भर जाती है। तो सारे कारोबार सब कामकाज बहुत स्लो हो जाते हैं इधर स्नो की वजह से। आप देख सकते हो कितना प्यारा यहाँ पे पुल बना हुआ है, इस छोटी सी, इसको आप क्या बोलते हो, रिवर। अब मिला हमें खुला रास्ता, ये है सोनमर्ग का रास्ता। सोनमर्ग यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है, बट उसकी वाइब हमें यहाँ तक मिल चुकी है। आज हम, मैं आप सभी का वापस से वेलकम करने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों, ये रोड में एंटर करने के साथ साथ। तो लेह लद्दाख का इंतज़ार करते हुए श्रीनगर से निकलकर कारगिल की ओर बढ़ रहे हैं हम, और इसी बीच रास्ते में आप सभी से वापस से वेलकम करता हूं कि हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CKY ऑन व्हील्स। आप देख सकते हो यहां पे रास्ता और यहां का मौसम, यहां की आगे की व्यू सब एक साथ मैच खा रही है। जोजिला है 56 किलोमीटर, ये वो पास है जिससे बड़े बड़े डरते हैं। वर्ल्ड्स सेकेंड मोस्ट डेंजरस रोड अगर आप मारोगे नेट पे सर्च तो आपको दिखेगा जोजिला पास, जो अभी 56 किलोमीटर में आने वाला है हमारे पास। वो पहाड़ की जो चढ़ाई है ना, वही है जोजिला पास। और आप देख सकते हैं वो पॉइंट जहाँ पे अलग ही रियलिटी लगता है देखने में हर चीज़। ओ भाई साहब ये फीलिंग ही अलग थी यार इस पॉइंट से घूमने की, टर्निंग। तो अभी हम जा रहे थे हमारे जोजिला पास के रास्ते में और हमें ये दिख गया, सिग्नल मिल चुका है हमें कि भाई बर्फबारी चालू है। बस पहुंच रहे उधर, ज़्यादा दूर नहीं है हमारा ये चूटी है। अभी मैं जिधर हूँ वो सोनमार्ग से जस्ट 10 किलोमीटर पहले हूँ मैं, उसके आगे हूँ। यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा चाय वाय पी लेते हैं, बहुत ठंडी है इधर। आप देख सकते हो पीछे का व्यू, और कुछ आवाज़ आ रहा होगा आपको, तो मैं वो दिखाने ले जाता हूँ क्या चीज़ का आवाज़ है वो। आप आ जाओ मेरे साथ इधर, आप देख सकते हो हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये है वो नज़ारा जिसके मैं बात कर रहा था, इधर एक पुल देख सकते हो, बादल यहाँ पे और दूर दूर माउंटेन्स। अभी हमको बढ़ना है इस तरफ हम आगे जाएंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है सोनमार्ग जो है वो 10 किलोमीटर और है। सोनमार्ग पे जाके हम स्टे रुकेंगे, थोड़ा सा स्टे तो नहीं करेंगे बट सोनमार्ग में रुकेंगे ज़रूर, और सोनमार्ग से फिर हम निकल पड़ेंगे कारगिल की तरफ। आज का हमारा स्टॉप जो है वो कारगिल ही है, यहाँ से लगभग कारगिल और 100 किलोमीटर होना चाहिए, 128 किलोमीटर दिखा रहा है। तो ऐसे हंसी नज़ारे जो है ना वही हमें खींच कर लाते हैं। अगर मैं कैमरा को फ्लिप करूं तो उस तरफ आप देख सकते हो अर्जुन उधर है, इंद्रो इधर है, राजू तक इधर है, ये हमारा मेन आइटम किधर गया। तो गाइस हमने सोनमार्ग क्रॉस कर लिया है, आप देख सकते हो पूरा गियर वेयर में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ ने रोक दिया यहाँ पे, राजू दा क्या चीज़ ने रोका हमको बता सकते हो? बर्फ। अर्जुन बोलना क्या चीज़ ने रोका? अच्छा इंद्रो बोल सकते हो क्या चीज़ ने रुका दिया हमें?
वो आप देख सकते हो आप तो सभी लोगों ने अगर उधर का नाम लिया तो उधर तो जरूर तो कुछ होगा। अरे वाह यार, ये देख रहे हो आप व्यू, ऐसा व्यू आपको मिलेगा कहीं पे? लद्दाख में मिलेगा, ये लद्दाख में ही मिलेगा सिर्फ, ये कहीं नहीं मिलेगा। और आपको ये देखो आप, बस आप वीडियो देखते जाओ, आगे बहुत कुछ है। यहाँ पे थोड़ा बहुत फोटो सेशन वगैरह करके निकल पड़े हम वापस से अपनी मंजिल पे। मैं तो रिकमेंड करता हूँ यार, आओ हमेशा दोस्तों के साथ आओ, और बाइक ट्रिप में आओ यार, यार ये प्लेस में, क्योंकि दोस्तों के साथ जो एन्जॉयमेंट होने वाला है इधर आपका बाइक ट्रिप में, कभी बाइक बिगड़ जाना, कभी रास्ता भटक जाना, कभी इसका फॉल्ट कभी उसका फॉल्ट, ये करते करते जो मज़ा आता है दोस्ती में, यही तो दोस्ती है, यही तो सच्ची दोस्ती है। गाइस आप देख सकते हो ये रास्ता, हमारे लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में एक्सट्रीम लैंडस्लाइड होने का डेंजरस रास्ता है, और यहाँ पर लेफ्ट में देखो आप देख पा रहे हो ऑफ रोडिंग रास्ते। क्या लद्दाख शुरू हो चुका है, फीलिंग तो लद्दाख वाली ही दे रहा है यार। यह है जोजिला पास, अगर यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हुई होती, आप देखो आगे का रास्ता, देखो ये गुफा जैसा रास्ता, अगर यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हुई होती ना तो आपको रो देना पड़ता रास्ते में। आप देख सकते हो कैसा रास्ता है इधर, ये देखो पत्थरों कैसे काट के रास्ता बनाया गया इधर। ये है जोजिला पास, इसे ही कहते हैं वर्ल्ड्स सेकंड मोस्ट डेंजरस रोड। आप तो अभी रात को देख रहे हो ना, आप दिन में देखते तो समझ में आता हमारी कैसी फटी पड़ी हुई है। ये आ रहे सब लद्दाख से। आफ्नो ख्याल राख्नु है तिमी, गजडीलाई कसले बुझ्दिने लाग्यो म त, खोलै खोलातिर चौतारी र भिराइ भी मनमा छ पिराइ पिर हो भन्ने कसलाई, बलिरहनु है तिमी पूर्णिमाको जुन चाहिँ यात्रा हाम्रो। राज था डर गया यार, मुझे बोलते कहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि लाइट की वजह से यहाँ पे अच्छे से समझ में नहीं आता रास्ता कौन सा है, तो मैं जाके थोड़ा आगे चेक कर रहा था। बुझी न मैले तिम्रो हृदयको भाका, जलन किन जब तिम्रै हुन सकिन, खै के को मात्र लाग्यो है ममा, रम न पुगेछु तिम्रो दुखमा, दोष कसलाई दियो आफैलाई। हम फाइनली आ चुके इधर जोजिला पास, जो है 11,649 फीट, हमारा पहला पास है ये, लव यू जोजिला। हमारा पहला पास है, अच्छे से हम लोग आ चुके हैं, बस अब यहाँ से निकलते हैं कुछ देर में। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा चाय वाय पीते हैं, थोड़ा गर्म करते हैं खुद को। हाँ बोल, स्टिकर का जोन है भैया जी, स्टिकर अपना लगा सकते इधर। अच्छा ब्रो हट जा अर्जुन, भाई मेरे लाइफ का स्टिकर लग रहा है इधर, किधर दो उधर ही देता हूँ ना यार, ये रहा मेरे लाइफ का सेकंड स्टिकर मैं लगा रहा हूँ, ताकि वापस में कभी अगर इधर आऊँ ना तो मुझे मेरा स्टिकर दिखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम सब इधर आए थे, समझ में आ रहा है, हम सब इधर आए थे।
ये हम सब हमारी सभी की स्टिकर है ये। तो हमारा खाना यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हो इधर में इंद्र तो एकदम भुक्कड़ जैसे खा रहा है। देखो 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 देखो, अरे क्या ले रहा है यार, क्या ले रहा है। आज भी चिकन है ब्रो, कैसा लग रहा है खा के बताना, मजा आ गया? लद्दाख में देखने को मिलेगा श्योर है। बताना अर्जुन कैसे है खाना, टेस्ट बढ़िया है? अरे यार पीस थोड़ा छोटा खाएगा यार, दे दिया मेरे को, दे दे मेरा खाना, मैं खा लेता हूँ फिर आप लोग को बता दो। सो गाइज यहाँ पे हम थे अभी द्रास में, खाना वाना खाया, बहुत ही बढ़िया लगा यहाँ पे खाना वाना खा के। तो आप बात कर लो एक बार होटल के भैया से। भैया जी आपका नाम बताना। मेरा नाम मोहम्मद असलम है सर। हाँ जी भैया, और हम लोगों ने क्या खाया, चिकन विकन खाया तो प्राइस वाइज तो बहुत चीप लगाया आपने, इतना टेस्टी कैसे बनाते हो खाना? सर इसमें कोई वो नहीं है, मतलब अच्छा खाना बस अपना प्यार से बन जाता है। हाँ। बस खाने में थोड़ा प्यार मिला देते हैं। आप देख सकते हो अफजल होटल एंड रेस्टोरेंट द्रास में, ये रूम्स भी मिलती है ऊपर में, लॉज वगैरह सब होती है। और ये दादाजी बड़े ही प्यारे दादाजी है यार, ये तो उत्तराखंड से बोल रहे थे हम, तो केदारनाथ ही जा रहे हैं, इनके घर ही जाएंगे कुछ दिनों के बाद। तो मिलते हैं भैया वहाँ पे और हम निकलते हैं यहाँ से, हमें कारगिल पहुँचना है, बहुत जल्दी पहुँचना है। हाँ जी अफजल भाई इधर ही है, अफजल भाई कहाँ चुपिल है आप, अफजल भाई जा रहे हो? अच्छा जी ठीक है ठीक है जी। यहाँ पे मैंने अपना चैनल का स्टिकर भी चिपका दिया है, यहाँ पे आप जब भी आओ तो बात करना अफजल भाई से, थोड़ा डिस्काउंट अगर दे दे तो अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे रह भी सकते हो, ऊपर लॉज वगैरह सब कुछ है। तो निकलते हैं, हमारा समय हो गया, मिलते हैं मोटर व्लॉगिंग में आपसे। बुझिन मैले तिम्रो हृदयको भाका, जलन किन जब तिम्रै हुन सकिन, खै के को मात्र लाग्यो है ममा। कारगिल में आ चुके हैं और यहाँ पे आने के साथ साथ बहुत प्यारे दो भाई भी ने हमें रास्ते से बुला लिया होटल के लिए। आके देखे तो ठीक ठाक सा रूम था, बढ़िया था, कम प्राइस में बढ़िया रूम दे रहे हैं। भाई तुम दोनों का नाम बताना यार। सर मेरा नाम है अली, शराफत अली। और तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन। यार दोनों बहुत प्यारे हो यार, तुम दोनों ही रहते हो क्या यहाँ पे होटल में? मैं अकेला ही रहता हूँ। अकेला रहते हो? अच्छा बाकी सब तुम्हारे घर में सब बढ़िया बढ़िया? बढ़िया। अच्छा जी, बहुत बहुत बढ़िया लोग हमें यहाँ पे मिल गए यहाँ पे। तो बस पहुँचे, बहुत ज्यादा ठंड है, खोलते हैं जैकेट वैकेट और सो जाते हैं, अपना एडिटिंग वेडिंग करते करते फिर मिलते हैं आपको कल के वीडियो में। चलिए फिर, शब्बा खैर।